हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही छोटी मछली, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही ज्यादा लजीज बनती है। आप भी इस तरह से एक बार छोटी मछली को जरूर बना के देखिएगा, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। छोटी मछली बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 250 ग्राम सबसे छोटी मछली ली है, जिसे हम झारखंड में बुद्धू मछली के नाम से जानते हैं। और इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और ये बहुत ही रेयर मिलती है और कैल्शियम से भरपूर होती है। अब इसमें हम 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लें। अगर आपको ये मछली मिले तो आप इसे जरूर लें, ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और कैल्शियम से भरपूर होती है। देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसके लिए मसाला रेडी करेंगे। यहाँ पे मैं 250 ग्राम मछली के हिसाब से मसाला रेडी कर रही हूँ। 1 चम्मच पीली सरसों, 1/2 इंच अदरक, 1 पूरा लहसुन, 1/2 चम्मच काली मिर्च और 3 हरी मिर्च लिया है। आप हरी मिर्च की जगह पे लाल मिर्च का भी यूज कर सकते हैं। अब हम मिक्सर के जार में इन सभी को ऐड कर लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका अच्छा सा पेस्ट रेडी कर लेंगे। देखिए मैंने इसका अच्छा सा पेस्ट रेडी कर लिया है। अब हम गैस ऑन करेंगे और तवा को गर्म होने देंगे। तवा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे कोई भी कुकिंग ऑयल का यूज कर सकते हैं। देखिए ऑयल भी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसे हम तवा के चारों तरफ अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। अब इसमें हम सारी छोटी मछली को डाल देंगे और इसे हम इस तरह से चारों तरफ अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे और इसे हम मीडियम फ्लेम में दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो जाने तक फ्राई कर लेंगे। देखिए मछली एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसे हम टर्न कर देंगे और इसे हम मीडियम फ्लेम में दूसरे साइड से भी गोल्डन ब्राउन हो जाने तक फ्राई कर लेंगे। छोटी मछली को हमेशा तवा पे ही फ्राई करें। देखिए मछली दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम यहाँ पे गैस को ऑफ कर देंगे और मछली को इसी पे रहने देंगे। अब हम गैस ऑन करेंगे और कढ़ाई को गर्म होने देंगे। कढ़ाई गर्म हो चुका है। अब इसमें हम थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे और इसे हम अच्छे से गर्म होने देंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम 2 तेजपत्ता ऐड कर लेंगे और इसे हम कुछ सेकंड के लिए फ्राई होने देंगे। देखिए तेजपत्ता अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम 1 बड़ा साइज का बारीक कटा हुआ ऑनियन ऐड करेंगे और इसे हम मीडियम फ्लेम में गोल्डन ब्राउन हो जाने तक फ्राई कर लेंगे। देखिए ऑनियन अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हम 2 छोटा साइज का टमाटर कटा हुआ ऐड कर लेंगे। अब इसमें हम पिसा हुआ मसाला भी ऐड कर लेंगे। अब मिक्सर के जार में थोड़ा सा पानी ऐड करके उसे भी इसमें ऐड कर लेंगे। अब इसमें हम 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर ले और मसाला को ढक के मीडियम फ्लेम में अच्छे से फ्राई होने दे। देखिए मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं 1 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर ले और ग्रेवी को मीडियम फ्लेम में ढक के एक उबाल आने तक पकने दे। देखिए ग्रेवी में 1 उबाल आ चुका है। अब इसमें हम फ्राई किया हुआ छोटी मछली को ऐड कर लेंगे और इसमें हम थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया भी ऐड कर लेंगे और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मछली को हम ग्रेवी के साथ मीडियम फ्लेम में 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे। 3 से 4 मिनट हो चुका है। देखिए हमारा सबसे छोटी मछली करी बन के रेडी है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। देखिए यहाँ पे मैंने छोटी मछली को सर्व कर लिया है। ये दिखने में जितना टेस्टी लग रहा है, यकीन मानिए ये खाने में भी उतनी ज्यादा लजीज है। आप इसे गर्मा गर्म चावल, रोटी, पराठा किसी तरह भी सर्व कर सकते हैं। हम तो इसे चावल के साथ सर्व करते हैं। चावल के साथ ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। आप भी इस तरह से एक बार छोटी मछली जरूर बना के देखिएगा, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे मेरे आने वाले नेक्स्ट रेसिपी की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।